शावित विश्वविद्यालय गंगो में प्रेरणा स्रोत बाबू विजेंद्र कुमार जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चल रही 3 दिवसीय प्रेरक प्रतियोगिताओं का आज दूसरा दिन। अनेक प्रतियोगिताएं हुई आयोजित, विजेताओं और उप विजेताओं को किया गया पुरस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज। जी हां, शोभित विश्वविद्यालय प्रतिवर्ष अनेक खेलों के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा को प्रेरित एवं उनको निखारने का कार्य करता है। देश भर में आज खेलों के क्षेत्र में भविष्य बनाना एक अच्छा विकल्प है। इसी उद्देश्य को लेकर प्रतिवर्ष शोभित विश्वविद्यालय प्रेरणा स्रोत बाबू विजेंद्र जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में खेलों की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन कराता है। आज लगभग सभी खेलों की फाइनल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिताओं के विजेताओं और उप विजेताओं को ट्रॉफी, मेडल, सम्मान पत्र देकर पुरस्कृत भी किया गया, जिनमें शतरंज प्रतियोगिता में सीनियर ग्रुप में डीपीएस बड़गांव के अखिलेश थाना ने प्रथम स्थान तथा अर्पित चौधरी एशियन कॉलेज सरसावा द्वितीय स्थान प्राप्त किया। वहीं जूनियर ग्रुप में ग्रीनफील्ड एकेडमी ननोता के शिवम डिंगरा और द्वितीय स्थान पर संचित ने स्थान प्राप्त किया। वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल गंगो के अक्षय सैनी और द्वितीय स्थान पर नामदेव पब्लिक स्कूल की छात्रा हिमानी विजेता रही। वॉल पेंटिंग समूह प्रतियोगिता में शोभित विश्वविद्यालय गंगो के छात्र बीएएमएस प्रथम वर्ष के छात्र प्रिया राव, अंशिका सैनी, ज्योति रावत, तनिषा सैनी विजेता रही। वहीं द्वितीय स्थान पर बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा हमना नेहा गजल अदिति विजेता रही। ऊंची दौड़ प्रतियोगिता सीनियर ग्रुप में प्रथम स्थान पर डीपीएस स्कूल से सूरज राणा व देवभूमि कॉलेज सहारनपुर से द्वितीय स्थान पर आयुषी विजेता रहे। वहीं जूनियर ग्रुप में प्रथम स्थान पर आरके मेहता इंटर कॉलेज से मोटी और द्वितीय स्थान पर मदर टेरेसा स्कूल से आर्यन विजेता रहे। टेबल टेनिस पुरुष ग्रुप प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर शोभित विश्वविद्यालय गंगो बीएनवाईएस चतुर्थ सेमेस्टर से गोकुला कृष्णन, महिला ग्रुप में प्रथम स्थान पर शोभित विश्वविद्यालय गंगो बीटेक सीएस द्वितीय वर्ष से रशिता विजेता रही। 100 मीटर पुरुष दौड़ ग्रुप में प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर सीडीकेआर पब्लिक स्कूल से अश्मीर और महिला ग्रुप दौड़ में प्रथम स्थान पर अनुशिखा ग्रीनफील्ड स्कूल से विजेता रही। वहीं 1600 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान पर अक्षित सरस्वती इंटर कॉलेज तथा महिला ग्रुप दौड़ में प्रथम स्थान पर अंजलि सरस्वती इंटर कॉलेज से विजेता रही। योगा प्रतियोगिता में सीनियर ग्रुप में निशा एवं जूनियर ग्रुप में आयुष प्रथम स्थान पर विजेता रहे। थ्रोबॉल जूनियर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल गंगो से वैष्णवी ग्रुप प्रथम स्थान पर रहा। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर एसआर कैंपस गंगो से रोहित कुमार प्रथम स्थान पर है तथा रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर बीएड प्रथम वर्ष से काजल ग्रुप को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस वर्ष से आरंभ सेवन स्टोन प्रतियोगिता में शोभित विश्वविद्यालय गंगो से हिमांशु सिंगल ग्रुप ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। शोभित विश्वविद्यालय गंगो के मैनेजमेंट विभाग से हिमांशु चौधरी ग्रुप ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। गर्ल्स बैडमिंटन सीनियर ग्रुप में अंशिका सैनी और जूनियर ग्रुप में दिव्या ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर विजय टीम एवं विजय प्रतिभागियों को शोभित विश्वविद्यालय गंगो के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर रणजीत सिंह, कुलसचिव प्रोफेसर डॉक्टर महिपाल सिंह, संस्था के केयरटेकर सूफी जही अख्तर ने ट्रॉफी, मेडल एवं सम्मान पत्र से पुरस्कृत किया। साथ ही साथ आमंत्रित विद्यालयों से आए हुए सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया गया, उन्हें प्रेरित कर उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर विपिन कुमार त्यागी, डॉक्टर शिवानी, डॉक्टर कपिल मोहन, डॉक्टर विनोद कुमार यादव, प्रदीप शर्मा, नितिन कुमार, महेंद्र कुमार, सुमीखा जैन, मुकेश कुमार, गौतम लेखा, वित्त अधिकारी जसवीर सिंह, असिस्टेंट ऑफिसर गौरव मित्तल तथा शोभित परिवार के प्रत्येक सदस्य का विशेष योगदान रहा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं।